अगर आपके फेसबुक प्रोफाइल में सी ऑप्शन आ रहा है तो मैं आपको बताऊंगा ये प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए कैसे खत्म होगा, कैसे रिमूव होगा और यहाँ पर ऐड फ्रेंड और फॉलो का बटन कैसे लाना है। आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। वीडियो पूरा कंप्लीट देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट करना। चलिए मैं आपको बताता हूँ इस प्रॉब्लम को आप कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले गाइज आपको करना क्या है, यहाँ पे फेसबुक ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन आप जैसे ही करते हो फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, प्रोफाइल ओपन कर लेना है। जिसके भी अकाउंट में प्रॉब्लम चल रहा है, फेसबुक पर सी ऑप्शन आ रहा है, तो वहाँ पर रिक्वेस्ट और मैसेज का ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा होगा, तो कोई भी बंदा आपको मैसेज भी नहीं कर पाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको प्रोफाइल ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको नीचे की साइड स्क्रॉल करना है, ठीक है। याद रहे आपके जो भी अकाउंट में प्रॉब्लम है वही अकाउंट आपको लॉगिन करना है। उसके बाद यहाँ पर प्रोफाइल पर आने के बाद नीचे की साइड आपको स्क्रॉल करना है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, सी मोर अबाउट योर सेल्फ का बटन मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे की साइड। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हो फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपका यहाँ पे डिटेल्स वगैरह मिल जाता है। तो नीचे की साइड आपको फिर से स्क्रॉल करना है। यहाँ पर नीचे की साइड आते हो तो आपको बेसिक इन्फो का मिलता है, यहाँ पर देख सकते हो आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मिल जाता है, ठीक है। तो आपको डेट ऑफ बर्थ पर यहाँ पे पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। क्लिक आप जैसे ही करते हो फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आप यहां से चाहो तो चेंज कर सकते हो। मैं आपको बता दूं काफ़ी लोग यहां पे जो 75% लोग हैं जो अपना डेट ऑफ बर्थ 18+ नहीं करके रखे हैं, कम रहता है 15, 16, 10 साल ऐसा रहता है, इसलिए उनके अकाउंट में सी ऑप्शन आता है तो उनको कोई मैसेज भी नहीं कर पाता है और उनका यहां पे फॉलोअर्स भी नहीं बढ़ पाता, कोई भी रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर पाता। तो क्या करना है, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक आप जैसे ही करते हो फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आप कुछ भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, अपना डेट ऑफ बर्थ का ईयर्स आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जब भी आपका 18+ हो जाता है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर आप देख सकते हो और यहाँ पर लिखा हुआ भी मिल जाता है। जी हाँ गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर बॉक्स पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद गाइज आपको नीचे की साइड स्क्रॉल करना है, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे ही नीचे आते हो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है सेव का, यहाँ पर आप देख सकते हो सेव वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। लेकिन मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि मेरा पहले से ही 18+ है, मेरा यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, मेरा यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो आपको क्या करना है, आपको सेव कर देना है। अगर आपका अभी प्रॉब्लम है, यहाँ पे सी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपका 18+ नहीं है, तो आप यहाँ से सेव कर सकते हो, ठीक है। बट मैं यहाँ पे सेव नहीं करता हूँ, मेरा यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब दूसरा ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, उसको भी आपको फॉलो करना है। अगर आपके फेसबुक पर सी ऑप्शन आ रहा है तो मैं आपको तीन चीज़ें बताऊंगा, इन तीनों को आपको फॉलो करना है। जो मैंने पहला आपको बताया है डेट ऑफ बर्थ, उसको आपको चेंज करना है, और सेकंड नंबर जो है यहाँ पर आपको 3 लाइन मिलता है, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक आप जैसे ही करते हो फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, नीचे की साइड स्क्रॉल कर लेना है, सेटिंग का बटन मिल जाता है, सिंपली यहाँ पर आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हो फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, फिर आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, हाउ पीपुल फाइंड एंड कॉन्टेक्ट यू, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हो फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर सबसे ऊपर टॉप पे मिल जाता है हु कैन सेंड यू फ्रेंड रिक्वेस्ट, आपको कौन बंदा सेंड कर सकता है आपको रिक्वेस्ट, यानी कि आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक आप जैसे ही करते हो यहाँ पर आपको एवरीवन देखने को मिल रहा होगा मेरे अकाउंट में, इस तरह से आप भी एवरीवन कर लेना। काफ़ी लोग यहाँ पे नो ऑन या फिर फ्रेंड ऑफ फ्रेंड पे कर देते हैं, इसलिए उनको यहाँ पे फॉलोअर्स नहीं बढ़ पाता, कोई भी यहाँ पर उनको रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर पाता, तो आपको एवरीवन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा 16 मैंने आपको बता दिया। अब तीसरा मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लोग इन दोनों को पहले से ही सही कर रखे हो, डेट ऑफ बर्थ और इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन जो है एवरीवन कर रखे हो, फिर भी आपके अकाउंट में इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको तीसरा नंबर जो प्रॉब्लम है, जो सोल्यूशन है, मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। जी हाँ गाइस, आपको फिर से यहाँ पे 3 लाइन पर क्लिक करना है। क्लिक आप जैसे ही करते हो फिर आपको नीचे की साइड यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको एक रिपोर्ट प्रॉब्लम पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है, फिर आपके सामने यहाँ पे इंक्लूड इन रिपोर्ट का बटन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हो फिर आपके सामने काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। जी हाँ गाइस, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप भी प्रोफाइल यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो इजीली, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने फेसबुक का स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेते हो प्रोफाइल का, तो आपको यहाँ पे ऐड इमेज पर क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पर सबमिट करके फिर आपको बताता हूँ। जी हाँ गाइस, मैं यहाँ पे सबमिट कर चुका हूँ स्क्रीनशॉट, आप यहाँ पे देख सकते हो। आप लोग भी कुछ इस तरह से अपने फेसबुक का स्क्रीनशॉट सेलेक्ट करके यहाँ पे सबमिट कर देना। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन बॉक्स मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हो टाइप लिखा हुआ मिल जाता है, तो आपको कुछ यहाँ पे कैप्शन लिखना है कि आपके फेसबुक में क्या प्रॉब्लम है, आप क्या बताना चाहते हो, फेसबुक टीम से क्या मदद लेनी चाहते हो,
तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से टाइप करना है। मैं आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो। कुछ इस तरह से आपको भी यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यानी कि आपको भी कॉपी पेस्ट करना है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप देख करके या फिर कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर सकते हो अपने फेसबुक अकाउंट में, ठीक है। यहाँ पर आप करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेंड का बटन मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हो सेंड वाले बटन पर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। बट मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करूँगा, मैं आपको बताने के लिए इस वीडियो में ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि आपका एक प्रॉब्लम है, तो आपका प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो सकता है इस ट्रिक से, ठीक है। तो आप लोग को भी इस तरह से करना है। अगर आपके फेसबुक में सी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको कोई फॉलो कोई भी यहाँ पे आपको मैसेज नहीं कर पा रहा है, रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर पा रहा है, तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे सेंड कर देना है। बट मैं यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि मेरा यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही सही है, तो आपको भी कुछ इस तरह से कर लेना है। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया होगा। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है तो आप हमें नीचे यहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पर आप हमें मैसेज कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब इजीली कर सकते हो।